mercy and pain. Abhyas kar sakte. Koi mushkil nahi. अभ्यास योगे ना एक सेकंड में
कुछ बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगे। बाहर विदेह बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है। दादी जानकी ने कभी कहा था कि मैं जब भक्ति मार्ग में गीता पढ़ती थी तो मन में संकल्प आता था कि भगवान ने अर्जुन को केवल गीता सुनाई, मुझे क्यों नहीं सुनाई। और जब ज्ञान में आई तब यह आश पूरी हुई कि भगवान अब मुझे सुना रहा है। तो ये कितना अच्छा विजुलाइजेशन है कि मैं रथ पर बैठा हूं और भगवान मुझे गीता सुना रहा है और मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अर्जुन प्रश्न करते रहते और भगवान हर प्रश्न का उसे उत्तर देते हैं। मैं भी बाबा से प्रश्न कर रहा हूं और वो हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा है मानस चित्र दृश्य है जिसे देखा जाए कि मैं बैठा हूं और वो मुझे
सुना रहा है। तो कल हमने ड्रिल की थी सारे दिन पर, सभी ने की होगी, तो आज उसी मुरली से बाबा उसी ड्रिल के बारे में कुछ और बातें कह रहे हैं। विदेही अवस्था कैसी है? जैसे कोई मर गया है, और मरा हुआ व्यक्ति बोलता नहीं है, और मरा हुआ व्यक्ति सोचता नहीं है, और मरा हुआ व्यक्ति अप्रभावित, और मरा हुआ व्यक्ति उठता बैठता चलता फिरता नहीं, और मरा हुआ व्यक्ति अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, फीलिंग लेस होता है। विदेश में दो अनुभव है दो महिलाओं के। एक महिला थी जिसका पति अब मरणासन्न था, जिसे कैंसर की बीमारी थी, और उसको अपने पति से बहुत प्यार था, पर हालत पति की खराब थी, घर पे ही था, इलाज चालू था, तो उसने अपने आप को उसकी मृत्यु के लिए तैयार किया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए थे। पहले उसकी माँ गई, फिर उसकी सास गई, फिर उसकी बहन ने शरीर छोड़ा था, अभी एक और अनुभव उसके सामने आने वाला था, और हर बार वो शॉक हुई, हर बार दुखी हुई। वो नहीं चाहती कि इस बार भी वैसा ही हो, तो वो क्या करती थी कि उसके पति की जितनी चीजें थी, सामान था, वो सारी लेकर जमीन पर बिखेर देती थी। उसके पति का विग जो वो पहनता था, उसके पति का कोट या बेल्ट या सामान या बैग या सूटकेस इधर उधर बिखेर देती थी, और फिर बाहर चली जाती थी, और आती थी तो ऐसे दिखाती थी जैसे मुझे पता ही नहीं, पति अभी सोया है, तो ऐसे दिखाती, अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ गया, ये किसका है, ये विग किसका है, ये कोट किसका है, ये बैग किसकी है। फिर अपने मन को समझाती, अच्छा वो तो गया, ये उसने प्रैक्टिस की पहले से, प्रैक्टिस इसलिए प्रैक्टिस क्योंकि अब वो जाने वाला है, ये अभ्यास किया उसने। ये दूसरों की मृत्यु के लिए स्वयं की तैयारी, क्योंकि कोई भी बचने वाला नहीं है। कल की मुरली में था, सब विनाश हो जाएगा, किसी के भी साथ ममत्व नहीं रखो, इस दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल एक माशूक से लगाओ, कोई नहीं बचेगा, इसके लिए एक के दिल लगाओ। तीन प्रश्न पूछे कल की मुरली में बाबा ने, कल की मुरली में तीन प्रश्न पूछे हैं, अलग अलग ढंग से पूछे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ती गई पूछने की। पहला प्रश्न पूछा मुरली की शुरुआत में, बच्चे घर जाने की दिल होती है, और उत्तर हमसे नहीं, बाबा ने खुद ही उत्तर बताया, और उत्तर बड़ा ही सौम्य है कि वो आत्माओं का घर है। ये पहला प्रश्न है कि घर जाने की दिल होती है, और उत्तर भगवान खुद बताता है कि वो घर वो आत्माओं का घर है। दूसरा प्रश्न पूछा, बच्चे घर जाने का विचार है, इंटेंसिटी बढ़ गई है, पहला बड़ा सौम्य था दिल, अभी है विचार है, उत्तर बच्चों ने दिया, क्यों नहीं जाएंगे, भक्ति इसलिए तो की थी। तीसरा प्रश्न पूछा, जाना है कि नहीं जाना है घर, बाप छोटी सी बात समझाते हैं, बच्चे घर जाना है या नहीं जाना है, उत्तर भगवान ने, उत्तर बच्चों ने दिया, हाँ क्यों नहीं जाना है, वो हमारा स्वीट होम है। एक ही मुरली में तीन अलग अलग अंदाज से प्रश्न पूछा गया, इंटेंसिटी बढ़ती गई उसकी तीव्रता पूछने की, पहले था दिल होती है, दूसरा था विचार, तीसरा जाना है कि नहीं जाना है। एक दूसरा उदाहरण है यूथ हॉस्टल का, विदेश की एक बहन ने अपना अनुभव लिखा है कि वो अध्यात्म के किसी एक यूनिवर्सिटी में, आश्रम जैसी एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश करती है, और वहां एक अद्भुत नियम था। नियम ऐसा था
कि हॉस्टल की कीमत फीस जो थी बहुत ज्यादा थी, पर यदि तुमको कम कीमत में हॉस्टल में आना है या प्रवेश पाना है तो फिर कुछ वर्कशॉप करनी पड़ेगी, कुछ सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेस अटेंड करने पड़ेंगे। और उस आध्यात्मिक संस्था में एक कोर्स था ग्रेव डिकिंग कोर्स, कब्र खोदने का कोर्स। और वो जो हॉस्टल था यूथ हॉस्टल, उसके बाजू में एक शमशान घाट था, वहां पर एक लेडी थी जो उस कोर्स लीडर, कोर्स जो था कौन सा कोर्स, अपनी कब्र खोदने का कोर्स, उसकी वो इंचार्ज थी कैथरीन जिसका नाम था। तो वो जो विदेशी महिला लिखती है वो मुझे लेके गई और मुझे बताया कि अगर तुमको हॉस्टल कम कीमत में पाना है तो तुमको ये कोर्स करना पड़ेगा। इस कोर्स में क्या करना होता है, अपनी कब्र खोदनी होती है। क्या करना पड़ता है, कब्र खोदनी पड़ती है और उसमें जाके प्रवेश करना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है मैं मर चुका हूं और फिर मिट्टी डाली जाती है और वैसे ही रहना पड़ता है। ये कोर्स है ग्रेव डिगिंग कोर्स, ग्रेव अर्थात कब्र, डिगिंग अर्थात खोदना। तो वहां जाके ये सोचना मैं मर चुका हूं, अब कीड़े मकोड़े मेरे शरीर को खा रहे हैं अंदर से, मिट्टी डाली जा रही है और फिर उसके ऊपर जो ऐसा होता है वो चिल्लाती है ठीक है मैं पूरा पैसा देने के तैयार हूं पर मुझे यहां रहना नहीं है, जितने पैसे होंगे हॉस्टल के मैं फुल डॉलर दूंगी, मुझे कम डॉलर में नहीं चाहिए। तो ये कोर्स, तो ये अभ्यास करना है, कौन सा है, अपने ही मृत्यु का नजारा देखना है। एक विदेश में डॉक्टर था जिसका ये भी आया था, वो मरीज जो बिल्कुल सुनते नहीं थे, उनको शुगर है पर फिर भी चीनी खाते थे, बीपी है परंतु सब कुछ खाना चालू रहता था। वो जब भी ऐसे पेशेंट आते थे उनका एक फोटो लेता था। वो ऐसा करता था, उसने अपने क्लिनिक के अंदर एक कमरा बनाया था जिसमें एक कब्र बनाई थी और वो पेशेंट को लेके जाता था, कहता था एक पैर उधर रखो कब्र में और फिर उनका फोटो लेता था और उनको देता था, अब ले जाओ इसको मरने को तैयार रहो, एक पैर कब्र में एक बाहर और अब जाओ। तो चाहे स्वयं की मृत्यु चाहे अपनों की मृत्यु सबसे ज्यादा डराती है। और बाबा क्या कह रहे हैं, विदेही बन जाना अर्थात जैसे कोई डेड बॉडी है वैसे बन जाना, उसी का अभ्यास करना, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना देह से न्यारा हो गए तो देह के साथ स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ और देह से न्यारा हो गए तो सबसे न्यारे हो गए, इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। कौन सी ड्रिल कराई कल, एक सेकंड में सबसे पहले तो शरीर से बाहर निकलना, फिर उस सेकंड में कहां पहुंचना, सूक्ष्म वतन में, फिर वापस आ जाना, फिर एक सेकंड में शरीर से बाहर जाना, कहां पहुंचना, परम धाम में, फिर शरीर में वापस आ जाना, ये ड्रिल करनी है। तो बार बार जब ड्रिल नहीं भी कर रहे, नॉन ड्रिल की अवस्था जब है, उस समय भी परम धाम का चिंतन चालू रहे मन में कि वो धाम है जहां आवाज ही नहीं है, ये आवाज की दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे वहां जाना है जहां आवाज नहीं है, ये भीड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसे स्थान पर जाना है जो जहां कोई मुझे देखे नहीं। यहां तो धरती पर कहीं पर भी जाओ कोई ना कोई देख ही लेता है, कितना भी एकांत ढूंढो, इतने कैमरे लगे हैं कोई ना कोई देख ही लेता, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो, अब क्या उत्तर दे हर बार हर एक को नए नए उत्तर। ये तो दे नहीं, कह नहीं सकते कि हम ज्ञान का चिंतन करते रहते, वो कहेंगे बड़ा ही अहंकारी है ये तो, मुझे कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां कोई देखे ही नहीं, ये मन में नेचुरली चिंतन चालू रहे। जैसे आज के मुरली में भोजन याद नहीं करो, बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, मैं भी भूल जाता हूं, मेरी खांसी ठीक करो मेरी शुगर कम करो ये सब चालू कर देता हूं मैं भी, मैं तो सच्चा बताता हूं ना, बाप के साथ सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, जो जो आता है मैं तुमको सच सुनना आता हूं, बाप तुमको सच समझाते हैं, तुमको भी सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। दज्जा आती है सुनाने पर ये सब मैं सुनाता हूं क्या करूं, सुनाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है वैसे,
बाबा से कहना, बाबा मेरा शुगर ठीक कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा मोटापा ठीक कर दो, मेरा वजन घटा दो, वजन कम ही नहीं होता, क्या करूं? बाबा कहते हैं नहीं कहना चाहिए, बाबा खुद ही कहते हैं मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं तुमको सच सुनाता हूं, मैं ये सब करने नहीं आया, मैं केवल पतित से पावन बनाने आया। तो अभ्यास, तो आज बाबा कह रहे हैं अभी जो सुना, यह ड्रिल रोज हरेक को करनी चाहिए, ये कवायद, ये ड्रिल जो मिलिट्री वाले होते हैं, देखा ना यहाँ पर कैसे घूमते रहते सुबह सुबह, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, इसका मुख्य स्थान है आउंटअब, सुबह सुबह दौड़ते हैं। अभी यहाँ ना तो युद्ध की कोई आसार है, कुछ नहीं है, फिर भी ड्रिल चालू है, किस लिए? क्योंकि किसी भी समय बुलावा आ सकता है, और जब बुलावा आए तब थोड़ी ना जाना हो, तो ट्रेनिंग करनी होती, पहले से ट्रेनिंग चाहिए रहती, पहले से ही ट्रेनिंग चाहिए रहती, इसलिए यह ड्रिल, यह कवायद हर रोज करनी चाहिए। ऐसा नहीं हम बिजी है, बीच में समय प्रति समय एक सेकंड चाहे कोई बैठा भी है, बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उसको भी ड्रिल करा सकते हो और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो बड़ी बात कह दी बाबा, खुद तो करना ही है। अब ये दूसरा एडिशन है आज, दूसरा कोई बैठा है उसको बोलना तुम भी बैठो और एक सेकंड में शरीर हो जाओ, अभी के अभी स्टैचू। ड्रिल मतलब हाथ पैर हिलना नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो हाथ हिल रहा है, पैर की उंगलियां हिल रही है ऐसी ऐसी, ये हाथ हिल रहा है, फिर इधर मच्छर, फिर इधर खुजली, फिर इधर ये शरीर ही स्थिर नहीं है तो आत्मा कहां से स्थिर होगी? ड्रिल अर्थात डेड, आज की मुरली में याद अर्थात डेड, याद अर्थात सन्नाटा छा जाए, याद की तार बाप से जुड़ी हुई हो, ऐसा सन्नाटा जैसे कोई मर गया है, आवाज ही नहीं है बिल्कुल, अपलक। ड्रिल अर्थात आंखें पथरीली हो जाए, ये हिलना भी बंद हो जाए, ये है ड्रिल, ये है ड्रिल। मरा हुआ व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है क्या? मरा होने की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मरे हुए व्यक्ति को देखना है तो उधर शमशान घाट में जाना, बीच बीच में जब भी कोई जाता है तो बिल्कुल मेक इट अ पॉइंट, वहां जाना ही है बिल्कुल देखने के लिए, कैसे व्यक्ति मरता है तो कैसे माहौल, सन्नाटा, बिल्कुल एकदम सीरियस रहते सब, क्योंकि हरेक को दिखता है मैं भी अब जाने वाला हूं। पर वो दूसरी बात है जो कल की मुरली में कहा, घर गए स्त्री का मुंह देखा माया खा गई, मित्र संबंधियों को देखा फिर से सारी माया आ गई, मरकट वैराग्य है ये, शमशानी वैराग्य, वो बंदर मरकट अर्थात इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदर चने के बहुत सारे मड़के हैं उस पे उंगली हाथ डालता है, फंस जाता है हाथ, चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे निकालो, और फिर मालिक आता है बहुत पिटाई करता है उसकी, फिर जब पिटाई होते रहता है सोचता है इसके बाद कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, बहुत मार लगती है, कितना मुझे दर्द हो रहा है, और हाथ जब निकलता है और बाहर डाली में जाके बैठता है टाली पर, वहां से कहता है अभी फिर डालता है, वो केवल क्षण भर का वैराग होता है। बाइबल ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी है क्षणिक वैराग के लिए, एक माँ प्रसव पीड़ा सहन करती है और जब प्रसव पीड़ा में रहती है संकल्प करती है कि इसके बाद कभी भी नहीं चाहिए कोई और बच्चा, इतना वेदना, इतनी वेदना, पैंग्स ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन का जो पेन होता है बड़ा खतरनाक दर्द होता है, बहुत दर्द, पर जब लेबर पेन से बाहर आ जाती है और कुछ समय बीतता है फिर दूसरा बच्चा चाहिए, फिर से विकार में घुसती है, पहले विकार में गई तो दर्द हुआ, बाइबल लिखता है योर डिटैचमेंट शुड नॉट बी लाइक दिस दिस लेडी, जिसको क्षणिक वैराग आता है केवल प्रसव पीड़ा के समय, बाद में खो जाता है। तो वैसे ही क्या समझना है, मैं मर चुका हूं, जीवंत मृत्यु का अभ्यास, तो रात को सोते समय यह अभ्यास करना है, गए मतलब गए, मर चुका है शरीर, इस शरीर से अब क्या लेना देना, नहीं तो शरीर का ही चिंतन चलता है दिन रात, शरीर का चिंतन,
क्या खिलाऊं इसको, आज नाश्ते में क्या है, आज दोपहर में क्या बना, आज रात में क्या है, क्या खाऊं, क्या पहनाऊं, जूता कौन सा पहनूं। हाँ, आज की मुरली में 10-20 साड़ियां तो भी पेट नहीं भरता, और चाहिए लोभ, लोभ ये लोभ वो लोभ, इधर लोभ हबच। दादी जानकी का एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा है, मैं ट्रायल करती हूं विदेशियों का, ऐसा कौन विदेशी है जो विदेश में जाता है और कोई भी परचेसिंग नहीं करता है, यहां से दूसरे शहर में जाओ कुछ भी नहीं खरीदना, जूता खरीदना है, साड़ी खरीदनी है, कोट खरीदना, जैकेट खरीदना है, मेकअप खरीदना है, पाउडर खरीदनी है, लिपस्टिक खरीदना है, तेल खरीदना है, ये तेल यहां अच्छा मिलता है, यहां आबू में वो अच्छा मिलता है, यहां साड़ी अच्छी मिलती है, वहां का यादगार चाहिए, अरे क्यों चाहिए। दादी ने जहां, मैं पूरी दुनिया में घूमी, कभी कोई इच्छा नहीं हुई कहीं से कुछ खरीदने की, कुछ परचेस करने की इच्छा नहीं हुई, क्यों परचेस करना है, क्यों शॉपिंग करना है, विदेश जाओ और जीरो शॉपिंग करके आओ। चिमन भाई कुछ लाया, कुछ भी नहीं लाया, ये है उदाहरण, कोई मर चुका है विदेश तो नहीं ठीक है, पर वहां की यादगार, वहां का ये टेबल ही ठीक है, हमारे सेंटर पर चाहिए ऐसा टेबल, और क्यों चाहिए, सेंटर है आश्रम, कोई वो ये ब्यूटी पार्लर और उसको 5-स्टार होटल नहीं बना के रखना, आज सेंटर अर्थात आश्रम, वो आश्रम दिखाई दे, वहां लोग आए तो बिल्कुल उसका चित्त शांत हो जाए, आश्रम की फीलिंग आए, वहां आकर ये पर्दा हमको भी चाहिए हमारे घर में, कहां से लाया, 5-स्टार होटल थोड़ी ना है, आश्रम को आश्रम ही रखना है जिसमें सादगी हो, जिसमें सिंप्लिसिटी हो, जिसमें पवित्रता हमारा श्रृंगार है, वो हमारा, हमारी सजावट पवित्रता है, ना कि ये सब बाकी की चीजें, ये थाईलैंड से लाया, ये लंदन से लाया, ये फ्लावर पॉट उधर जापान से लाया, अभी एक बहन गई है खास कुछ लाने, एक को खास भेजा है ताकि वहां से कुछ लेके, वहां सस्ता मिलता है, पर सस्ते के चक्कर में संकल्प कितने चल रहे हैं, सस्ते के चक्कर में संकल्प कितने वेस्ट हो रहे हैं, संकल्प महत्वपूर्ण है या पैसे, संकल्प इज द ग्रेटेस्ट करेंसी। तो बीच बीच में खुद भी कराना है और दूसरों को भी ड्रिल करा देना है, दूसरों को भी एक सेकंड के लिए आश्चर्य, 2-4 सेकंड भी निकालने चाहिए, इसमें बहुत मदद मिलेगी, 2-4 सेकंड बोलते बोलते 2-4 सेकंड खत्म हो गए, 2-4 सेकंड निकालो और आश्चर्य हो जाए, बहुत बड़ी पावर है ये, और ये भगवान कह रहा है। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, आज की मुरली में शुरुआत में ही कहा, भक्ति मार्ग में भी कथा वार्ता सुनते थे तो बुद्धि भटकती थी, यहां पे भी बुद्धि भटकती है, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो टाइम वेस्ट, निष्फल, सफल नहीं होंगे, जब तार जुड़ी होगी तभी सफल होगा, जब याद में है तभी सफल, नहीं तो सब कुछ निष्फल, बुद्धि डिस्ट्रैक्ट होती है, कितनी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है बुद्धि को, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, बार बार चेक करना क्या आया क्या आया क्या आया, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, अभी तक क्यों नहीं आया, हमने भेज तो दिया था, अभी तक आया क्यों नहीं ऐसे, हाँ वही, अभी तक बेचे ही नहीं, गया क्यों नहीं। तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहो उसी समय हो जाएगा, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का, विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है, ऐसे नहीं बात पूरी हो गई और विदेही बनने का पुरुषार्थी करते रह गए तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना, इसलिए जितना जो बिजी है ये कब करना है, जिसको बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल कोई सेवा नहीं है, तब नहीं, अब शांति से बैठे, वास्तव योग तब चालू होता है जब बाबा के कमरे से बाहर निकलते हैं, बाबा के कमरे के अंदर नहीं, जब कमरे से बाहर निकलते हैं और कर्म क्षेत्र पर प्रवेश करते हैं, वहां योग का रियल अभ्यास चालू होता है। बाबा ने कहा ये रियल और फर्स्ट क्लास युक्ति मैं तुमको सुनाता हूं, आज के मुरली ये रियल और फर्स्ट क्लास युक्ति तुमको सुनाता हूं, कौन सी, पाप काटने की, ये बड़ी महीन बातें हैं, दुनिया वाले इसको नहीं जानते, मैं तुमको सुनाता हूं रियल और फर्स्ट क्लास युक्ति, और युक्ति है योग। कितना सस्पेंस था, और जैसे उत्तर सुना सारा मजा किरकिर, कुछ नया था ही नहीं, मैं तुमको रियल और फर्स्ट क्लास युक्ति सुनाता हूं, क्या है क्या है, योग।
कुछ नया था ही नहीं, सारा नशा किरकिरा हो गया। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, बहुत दारू पी लेता है, बहुत दारू का रिलेटिव हॉस्पिटल लेके आते, ग्लूकोज चला चला देते डॉक्टर, पूरा नशा ही उतर जाता है। कहता है क्या डॉक्टर, सारा नशा किरकिरा कर दिया। इतने पैसे खर्च किए थे पीने में, 1.5% डेक्सट्रोज लगा दिया और गया सारा। ऐसे बोलते इसलिए जितना जो बिजी है तभी करना है, उतना ही उसको बीच बीच में अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, बीच बीच में शरीर का अभ्यास करेंगे ना तो बिल्कुल थकान ही नहीं होगी। ये कितनों का अनुभव है, बीच बीच में अशरीरपन का अभ्यास करते रहो। सेवा इतनी ज्यादा दी है, किसी 8 घंटे की सेवा है, और उस 8 घंटे की सेवा में कम से कम 100 लोगों से मिलना हो रहा है। पब्लिक सेक्टर है, 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग मिल रहे हैं, कोई कोर्स कर रहा है, कोई फोन आ रहे है, 100 तो रिंग बज रही है फोन की और उसमें बात कर रहे हैं, कोई कुछ अलग अलग जगह जा रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रहा है, थकान सी हो रही है, परंतु अगर अशरीर रहा तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं किया। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। इम्पॉसिबल पॉसिबल का ये यूनिवर्सिटी, जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल बनता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है आज की मुरली? नहीं, आज वो परसों था। ये त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी है जहां सबको दाखला मिलता है, पुरुष पुरुष को लाए, स्त्री स्त्री को लाए, वो नहीं। आज की पूछ रहे कौन सुन के आए, यूनिवर्सिटी कौन सी है? यहाँ पर बाप टीचर है, वो टीचर बनकर तुमको सिखलाता है, ऐसा तो कहीं और नहीं है। जो भगवान टीचर बनकर तुमको सिखाए, तो इसलिए जो जितना बिजी है उसको बीच बीच में अभ्यास करना चाहिए। अगर तो यहां कह रहे सेवा में क्या होता है, थकावट, कभी कुछ कुछ आपस में हलचल हो जाती है तो भी क्या होता है, वह नहीं होगा, अभ्यास होंगे ना। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा, तो कोई भी बात हुई सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं हो तो। अगर जिस बात में कमजोर होंगे तो माया अंत में उसी रूप में पेपर लेगी। जैसे चाहे स्वभाव, चाहे संबंध, चाहे संकल्प शक्ति, वृत्ति, वायुमंडल के प्रभाव में आना, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझ कर भी माया लास्ट पेपर देंगी। जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है अकिलिस की एड़ी, वहां पर ही माया वार करे, बाकी जगह नहीं। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया है, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहां पर विदेही अर्थात देह से न्यारा, तो अर्थात स्वभाव संस्कार कमजोरी सबसे न्यारा। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोगी है। इसमें क्या चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विदेही बने। तो अभी हम फिर से बैठेंगे, कल जो ड्रिल कराई थी वो लगा, तो इसमें वापस क्या करना है, अभी शरीर पहले तो स्थिर कर देना, शरीर को हिलाते नहीं बैठना है। एक अभ्यास ये भी है, आसन जयी बनना, योगी अर्थात जो एक ही आसन में 3 घंटे बैठ सके, 1 घंटे एक ही आसन में 3 घंटा बैठना, इसको कहते हैं आसन जयी, तब आसन जयी का टाइटल मिलेगा। ऐसा उसमें भक्ति मार्ग में बाबा ने ऐसा कभी कहा नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है, कहा नहीं है मतलब हिलते डुलते ही रहे, 5-5 मिनट में हिल रहे, कहां से योग लग रहा है, आत्मा प्रतिबिंबित कहां से होगी। जल जो होगा ना स्थिर चाहिए, तब उसमें कुछ दिखता है, जल हिल रहा है कुछ भी नहीं दिखता है, नीचे क्या है, कुछ ना कुछ करते रहते, हिलाते रहते। ये जो अंगूठा हिलाना है जो है ना, ये बेचैनी की निशानी है, हाथ हिलाना बेचैनी की निशानी। अच्छा बाप कहते हैं सभी
Yeah.